आज महाशिवरात्रि है और इस मौके पर हम एक छोटा सा विशेषण आपके लिए करना चाहते हैं कि दुनिया के विनाश में जुटे बड़े बड़े देश और उनके नेता आज भगवान शिव से क्या सीख सकते हैं। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वो विनाशक भी हैं और संरक्षक भी हैं और साथ ही वो विष पीना भी जानते हैं। आज दुनिया में कितने ऐसे नेता होंगे जो मानवता को बचाने के लिए अहंकार का विष पीने की हिम्मत करेंगे। शिव पुराण में लिखा है कि आज ही के दिन महाशिवरात्रि पर भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए थे। इसके अलावा ये भी मान्यता है इसी दिन भगवान शिव का पार्वती के साथ विवाह हुआ। भगवान शिव को विनाश का देवता माना गया और आज जब दुनिया में विनाश की स्थितियां बन रही हैं और यूक्रेन में रशिया की सेना युद्ध लड़ रही है, तब दुनिया भगवान शिव से क्या सीख सकती है, आप आज देखिए। आज भगवान शिव से दुनिया सीख सकती है कैसे असीम शक्तियां होते हुए भी उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की तीसरी आंख और उनका तांडव नृत्य पूरे संसार को एक क्षण में समाप्त कर सकता है, लेकिन भगवान शिव अपनी इन असीम शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते, बल्कि वो इन्हें हमेशा अपने नियंत्रण में रखते हैं। क्या आज रशिया, अमेरिका और दूसरी महाशक्तियां ऐसा कर सकती हैं? भगवान शिव हमें विष धारण करना सिखाते हैं। देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने अपने कंठ में जहर धारण करके ये बताया कि दूसरों के लिए अपने जीवन को खतरे में डालने वाले ही असली नायक हैं। क्या आज रशिया यूक्रेन में युद्ध रोककर इस जहर को पीने के लिए तैयार होगा? और क्या अमेरिका और पश्चिमी देश अहंकार के जहर को पीने के लिए तैयार होंगे? ये आज एक बड़ा सवाल है। और भगवान शिव संहार करने की शक्ति रखते हुए भी संतुलन और मेडिटेशन यानी ध्यान में विश्वास रखते हैं, क्योंकि एक शांत चित्त से ही आप सही निर्णय कर पाते हैं। दुनिया भर के नेता भगवान शिव से सबक लेते हुए संतुलित निर्णय लेना सीख सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या उनका अहंकार दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों की जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध तो शुरू हो गया, लेकिन पुतिन इस युद्ध को खत्म कैसे करेंगे, ये सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझ पाया, ना तो दुनिया का कोई नेता समझ पाया, ना ही दुनिया का कोई पत्रकार या मीडिया हाउस समझ पाया। इसलिए पुतिन हर रोज लोगों को सरप्राइज दे रहे हैं। रशिया के सैन्य सिद्धांत में एस्केलेट टू डी एस्केलेट रणनीति का जिक्र किया गया है। एस्केलेट टू डी एस्केलेट माना जाता है कि सिद्धांत पुतिन ही रशिया में लेकर आए थे जब वो रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हुआ करते थे, और ये बात 1999 की है। इस रणनीति का मतलब है कि युद्ध को अचानक से इतना खतरनाक बना दो कि दुनिया के सभी पक्ष शांति की बात करने पर मजबूर हो जाए। ये एक रणनीति हो सकती है। और इस समय अगर आप देखेंगे, इस रणनीति के तहत पारंपरिक युद्ध में जीत ना मिलती देखकर रशिया अब छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्स कहते हैं, और ये परमाणु हथियार आकार और क्षमता में छोटे होते हैं और दुश्मन की सेना को उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जितने नुकसान की जरूरत होती है। रशिया ऐसा करके पश्चिम के देशों को झुकने पर या बातचीत करने पर मजबूर कर सकता है। तो ये एक रणनीति हो सकती है पुतिन की। जो लोग पुतिन को अच्छी तरह से समझते हैं वो जानते हैं उनका स्टाइल ये है कि पहले युद्ध को इतने खतरनाक मोड़ पर ले जाओ कि पूरी दुनिया सहम जाए, और फिर उस खतरनाक मोड़ पर दुनिया को इतना डरा दो कि दुनिया आपसे समझौता करने के लिए तैयार हो जाए। तो पहले एस्केलेट करो युद्ध को और फिर डी एस्केलेट करो, फिर धीरे 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 शांति वार्ता करके उस स्थिति को धीरे धीरे वापस अपने नियंत्रण में ले आओ। तो हो सकता है पुतिन इस बार भी ऐसा ही कर रहे हो। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।